Assalamu alaikum. This is Dr. Farah Bukhari from Free Kisan Free Pakistan First Information Report. आज मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ हमारे करंट पॉलिटिकल क्राइसिस को अगेन, लेकिन एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, एक दूसरे एंगल से. और मेरा मूड नहीं था आज कोई वीडियो बनाने का, लेकिन पिछले 48 घंटों में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ. तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पाकिस्तानियों, गौर से मेरी बात सुनिएगा. पहली बात तो ये है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस. आप लोग सारे ये सारा दिन आप टॉक शोज देखते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन अभी तक आपको इस बात की समझ नहीं आ रही है कि हम लोगों की हालत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है. कभी आपने एक मरीज़ को देखा है जो कि बिस्तर मर्ग पे बैठा हो और उसको लेटा हो और उसका आखिरी वक्त आने वाला हो, और अगर डॉक्टर CPR ना करे, चेस्ट कंप्रेशंस ना करे, उसको डिफिब्रिलेटर से शॉक ट्रीटमेंट ना दे या उसको लाइफ सेविंग ड्रग्स ना दे विद इन अ फ्यू मिनट्स और सेकेंड्स, तो वो मरीज़ अल्लाह को प्यारा हो सकता है. तो यही सिचुएशन मैं पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान अस्तगफुरुल्लाह इस वक्त एक स्टेट ऑफ क्राइसिस में है. टू द पॉइंट के अगर हमने CPR नहीं की, अगर हमने ACLS और लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं दिए, तो पाकिस्तान ख़त्म हो सकता है. मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि पारा चिनार में तकरीबन 22 लोगों की शहादत हुई और उसके अलावा तकरीबन 100 आदमी जो है वो इंजर हुआ है. इससे आपको क्या समझ आती है? मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली एक ऐसा शख्स के जिसको टेररिज्म में को फैसिलिटेट करने में के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, उसको अभी रिहाई मिली है तकरीबन 2 साल के बाद. मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम हैं और जिसको मुल्क से बाहर निकाल दिया गया था, वो वापस आ गया है. और जब से वो वापस आया, 7 में अटैक हुआ, 7 में 2 टेररिस्ट पकड़े गए जो कि इंटरेस्टिंगली उस शख्स की पार्टी से जिनका ताल्लुक था. तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि आप लोगों की कुव्वते जो एक कुव्वत होती है इंसान की कुछ सोचने समझने की, वो इस वक्त फ्रीज़ हुई हुई है, वो इस वक्त ख़त्म हुई हुई है. आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा. आप कभी नवाज शरीफ के पीछे भागे जाते हो जो कि पैनामा केस के स्कैंडल में मुलव्वस है, जिसने भी अरबों रुपए खाए हैं, तो कभी आप जरदारी के पीछे भागते हो जिसके अपने इश्यूज हैं, जिसने टेररिज्म से लेके, करप्शन से लेके, हर किस्म की गलत काम फैसिलिटेट किया हुआ है सिर्फ कमीशन खाने के लिए. तो कभी आप इमरान खान के पीछे जाते हो जिसके बारे में सब ये कहते हैं कि वो कोकेन लेता है, और उसके अपने पार्टी के लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो ये ड्रग्स में मुलव्वस है. तो अब मुझे ये बताओ कि इस तरह से तो पाकिस्तान सही नहीं होगा अगर आप इसी तरह के फैसले करते रहे, इसी तरह के आप डिसीजंस लेते रहे, तो पाकिस्तान से टेररिज्म कैसे ख़त्म होगा, पाकिस्तान से करप्शन कैसे ख़त्म होगी? अब मैं फिर दोबारा एक बात करूँगी शरिया की, और शरिया से तो लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया. आप लोग सब इतना घबराते हो कि शायद आपको अपना डर है, क्योंकि इस वक्त अगर 100% पाकिस्तानी हैं तो उनमें से मेरा ख्याल में 98% में कोई ना कोई तो झूठ बोला होगा, कोई ना कोई तो गुनाह किया होगा. अगर शरिया आ गई तो वो सारे गुनाह कैसे कर सकेंगे, उसको कंटिन्यू कैसे कर सकेंगे, अल्कोहल कैसे पिया जाएगा, अल्कोहल कैसे बिकेगा, जना कैसे ख़त्म होगा, जना जो है जो कि यहाँ पे इस वक्त इतनी सीरियस प्रॉब्लम है पाकिस्तान में. जब से हदूद ऑर्डिनेंस ख़त्म हुआ है तब से इतना ज़्यादा यहाँ पे बेराह रवि भर गई है. मैं गलत कह रही हूँ भाइयों बहनों? आप मुझे बताओ, मैंने कोई गलत बात की है? मैंने कोई एग्जैजरेशन की है? जब से हदूद ऑर्डिनेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ है, आपके सामने की बात है कि यहाँ पे हालात क्या हो गए. यहाँ पे कोठियाँ खुल गई हैं, एस्कॉर्ट सर्विसेज खुल गई हैं,
हमारी जो नौजवान नस्ल है वो रास्ते से बिल्कुल भटक चुकी है। आज सैटरडे है, आज डिफेंस में आप मुझे बताओ कि कितने घरों में, लाहौर के डिफेंस में, कराची के डिफेंस में, इस्लामाबाद में कितनी ड्रग पार्टीज होंगी, हमारे बच्चे डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और उनको कोई होश नहीं होगी कि भाई कल क्या होना है पाकिस्तान के साथ। उनको पता है कि उनके माँ बाप ने उनको किसी तरह से, किसी तरीके से उनको बाहर भेज देना है, उन्हें बाहर जाके अपनी एजुकेशन भी ले लेनी है, या फिर उनको जो ये ब्लैक मनी है वो मिल जाएगा, वो इनहेरिट करेंगे और उससे उस पर वो अयाशी करेंगे। दे डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। तो ये और ये सारे हमारे जो क्रीम है पाकिस्तान की, जो कि इतनी पढ़ी लिखी है कि वो कोई चेंज यहाँ पे पढ़े लिखे तरीके से ला सकती है। मैं ये उनकी स्टोरी आपको बता रही हूँ कि उनको, उनका ये स्टेटस है कि वो पढ़ लिख जाते हैं लेकिन वो अपने मोरल्स जो हैं वो पीछे छोड़ाते हैं। आप कहते हो ना कि एजुकेशन को फ़रोग दो, एजुकेशन को हम फ़रोग दे रहे हैं लेकिन उस एजुकेशन का रिज़ल्ट भी तो देखो ना। इस वक्त जो मेजॉरिटी ऑफ द करप्शन पाकिस्तान में हो रही है वो पढ़े लिखे हल्के में हो रही है। एक गरीब बंदे के घर जाओगे ना, उसके पास रोटी नहीं होगी, उसके पास बैठने के लिए जगह नहीं होगी, उसके पास बड़ा बैंक बैलेंस, गाड़ी, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके पास फिर भी आपको ईमान मिल जाएगा। लेकिन आप एक बहुत बड़े महल में दाखिल होगे ना, कि जिसका मालिक या तो कोई बिजनेसमैन है जो कि टैक्स खा के बैठा हुआ है, या फिर कोई फैक्ट्री का मालिक है कि जिसके बंदे जो हैं लिटरली उन सफोकेट कर रहे हैं फ्रॉम द फ्यूम्स एंड इन्वॉल्वड लेबर, या फिर वो किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है कि जो टेररिज्म में मुलव्वस है, या फिर जो इंडिया की एजेंट है, या फिर जो ये स्मगलिंग के धंधों में मुलव्वस है, तो यहाँ पे कोई ड्रग कार्टेल चल रहा है, या फिर वो मतलब इतना हराम का पैसा पाकिस्तान में आ चुका है, अस्तगफुरुल्लाह, इतना हराम का पैसा आ चुका है कि मैं कहती हूँ शरिया आएगी तो शरिया को भी मेरा ख्याल है कि 2 साल लग जाएंगे इस हराम के पैसे को निकालने में, क्योंकि इतना बुरा हाल चुका हो चुका है, हमारे ईमान ख़त्म हो चुके हैं, हमें अपनी आखिरत के बारे में कोई फिक्र नहीं है। मैंने अभी पिछले दिनों खबर आई थी जी, एक अकाउंटेंट साहब पकड़े गए थे जिनके घर से पता नहीं एक ख़जाना, कानून का ख़जाना मिला था, एक अकाउंटेंट और उनकी फैमिली, और उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, आप समझ रहे हैं ना, दाढ़ी वाले जो हैं उनका ये हाल है। अब मैंने ही शरिया का नारा लगाया एज अ वुमन, एज अ पाकिस्तानी वुमन, एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम वुमन, मैंने शरिया का नारा लगाया कि शरिया आनी चाहिए, तो मेरे ऊपर और कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। मेरे ऊपर सबसे पहले ये क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है, आपने आपने निकाब क्यों नहीं पहना हुआ। भाई मैं 50 मिनट की मैंने जो गुफ्तगू की है उसमें मैंने एजुकेशन से लेके, हेल्थ केयर से लेके, मैंने लॉलेसनेस से लेके, ईमान से लेके हर चीज़ पे बात की है, और तुम लोगों की जो सोच है वो लिपस्टिक से आगे और नकाब से आगे निकल ही नहीं रही है। जब हज मुबारक में आप जब जाते हो तो वहाँ पे औरतें निकाब नहीं कर सकती, जब अल्लाह के घर में आप निकाब नहीं करते तो आप मेरे निकाब ना होने पर क्यों एतराज़ कर रहे हो। ये बात समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? आपको मेरी लिपस्टिक नज़र आ रही है, आपको जो आपके आसपास इतनी बेराहरवी हो रही है, इतना जना हो रहा है, इतने गलत काम हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यहाँ पे चल रहे हैं हर दूसरे घर में, हमारा जो एक सिंपल सा अच्छा सा एक फैमिली सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होके रह गया है, वो मीडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो पोर्नोग्राफी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, प्रोफैनिटी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, कुछ थोड़ी बहुत कसर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि वो सिर्फ रट्टू तोते बना रहा है कि रट्टे लगाओ, पढ़ो, डिग्री लो और बाहर भाग जाओ, अब पैसे कमाओ, पार्टी करो, मस्ती करो, अब बस यही ज़िंदगी है, और मरना तो है ही नहीं ना। ये आपका अब एक वो आ गया है, लेवल आ गया है, मेंटल लेवल आ गया है एक एवरेज पाकिस्तानी का, कि जो एक एवरेज नौजवान जो है वो ये कहता है अच्छा मैं अब एजुकेशन ले लूँ, उसके बाद जैसे तैसे करके डिग्री लूँ, उसके बाद जैसे तैसे करके मुल्क से बाहर चला जाऊँ, फिर जैसे तैसे करके पैसा कमाऊँ और उसको फिर अयाशी में लुटाऊँ, और ये नहीं सोचना कि भाई कल को क्या होगा, कल को तुमने सारी ज़िंदगी जिंदा तो नहीं रहना है। इतनी बड़ी बातें होंगी पिछले 48 घंटों में, किसी को कोई खबर नहीं है, सब क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, क्रिकेट ना हो गया इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गई भाई, पाकिस्तान का तो लगता है कि सांस जो है वो क्रिकेट है भाई। यहाँ पे तुम लोग हालात तो देखोगे क्या हो रहे हैं,
ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे हैं, 7 का अटैक हुआ, उसमें दो आपके मिनिस्टर पकड़े गए हैं पीपीपी के, किसी ने कोई बात नहीं की, मामला उठाया गया, उसके बाद उसको खामोशी से बंद करा दिया गया। फिर उसके बाद जी जरदारी साहब वापस आ गए और बड़े धड़ल्ले से वो कह रहे हैं कि मैंने दोबारा से मैंने इलेक्शंस में लड़ना है। और बिलावल जो कि इतनी अच्छी अच्छी बात, मुझे बिलावल से बहुत उम्मीद थी एक्चुअली, आई एक्चुअली थॉट कि बिलावल में थोड़ी सी इंसानियत है, आई एक्चुअली थॉट दैट कि थोड़ा सा उसके अंदर एक थोड़ी सी ना एक लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बच्चा बाहर भी पढ़ा है और थोड़ा सा ये अपनी पोलिटिकल उसमें से उसमें इतना नहीं रहा तो ये थोड़ा इससे पोल्यूट नहीं हुआ इतना। लेकिन अब मैं वही हालात देख रही हूँ कि वही हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ कि बिलावल साहब पीछे हो गए हैं और डैडी जो है वो आगे आ गए हैं और वो आगे तकरीरें कर रहे हैं, वही हरकतें कर रहे हैं जो उन्होंने पहले की थी। और आपको ये भी बताती जाऊँ कि अब जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो मोस्ट लाइकली, मैं आपको पहले से बताया हमारे सारे इलेक्शन जो है वो हैक होते हैं, ये भी होगा, आप लड़े या ना लड़े मैं आपको भी बता देती हूँ कौन जीतेगा, और वो आपकी जरदारी साहब जीतेंगे क्योंकि उनके पीछे ट्रंप खड़ा हुआ है। ट्रंप चाहता है कि पाकिस्तान में ट्रंप लाइन बन जाए, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स कंट्रोल में आ जाए यूएस के, उसको तो इतना डर है मुसलमानों से, तो हम तो एक मुसलमान न्यूक्लियर स्टेट है, वो तो जब तक हमारे न्यूक्लियर एसेट्स फ्रीज नहीं करेगा या उनको डिस्ट्रॉय डिसेबल नहीं करेगा या अपने कंट्रोल में नहीं करेगा उसको तो नींद नहीं आएगी, और उसकी मदद करेगा इंडिया तो, और जरदारी साहब ले सब कुछ अलाउ करेंगे कमीशन लेके। तो आप मुझे बताओ कि अब आप दोबारा से चौथी दफ़ा इस अजियत से क्यों गुजरना चाहते हो कि जरदारी दोबारा से आपके सर पर आके बैठ जाए, क्यों अयान रिलीज हो गई, जरदारी साहब वापस आ गए और अब डॉक्टर आसिम रिलीज हो गए और बारा चिनार का अटैक हुआ है, इतना बड़ा अटैक हुआ है, कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है, कोई इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। MQM का क्रैकडाउन किया है ठीक है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे आपके कुछ मिनिस्टर्स सामने आपके सामने मुलविस हुए हैं टेररिज्म में तो आप उनका एहतसाब क्यों नहीं कर रहे हो? और उधर से वो PTI वाले जो कि कहते हैं जी हमने इंसाफ देना है पूरे पाकिस्तान को, उनको भंगों से फुर्सत नहीं है, उनको अपने नारों से फुर्सत नहीं, उनके ख्याल में नारों से पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान नारों से चेंज होना होता तो 70 साल से यहाँ पे हर बंदा नारे लगा रहा है, हर बंदा यहाँ पे नारे लगा रहा है, हर बंदा लीडर है, हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर है, हर बंदा यहाँ पे जो है ना वो कुछ बना हुआ है कि मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, यहाँ पे अपने मैं ही नहीं ख़त्म हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे नहीं बदलेगा, पाकिस्तान बदलेगा जब हमारी कम्युनिटी की का थॉट प्रोसेस चेंज होगा, जब हम लोगों को एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं देंगे कि उन्हें नौकरियां लेनी है या उन्होंने पैसा कमाना है, उनको इसलिए एजुकेशन दी जाएगी कि वो एक अच्छे इंसान बने, वो झूठ ना बोलें, वो किसी का माल ना खाएं, ये एजुकेशन जब हम उनको टीच करेंगे और ये वही एजुकेशन है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बैठकर की, ये वही एजुकेशन है जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इस्लाम क्या है, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि इस्लाम क्या है, इस्लाम ये तो नहीं है ना कि आपने एतकाफ़ में बैठ गए आप सारी रात, अभी रमज़ान आने वाले आप तरावियाँ पढ़ेंगे, आप रोज़े रखेंगे या कहेंगे ओ हो हमने तो बड़े लंबे रोज़े रखे भाई, लेकिन जो चांद रात होगी उस पर यहाँ पर शराबें शुरू हो जाएंगी। पिछले रमज़ान में मेरे सामने की बात है, यहाँ पर कराची में थी मैं, यहाँ पर मुझे ये पता चला है कि इतनी शराब बिकी है ऑन चांद रात, इतनी शराब बिकी है कि शराब की शॉर्टेज हो गई थी। तो मैं ये बात बताओ, अब लोग जो शरिया के मुखालिफ हैं वो क्यों मुखालिफ हैं? वो इसलिए मुखालिफ नहीं है कि वो अल्लाह का फरमान नहीं चाहते, वो इसलिए मुखालिफ है क्योंकि उनको डर है कि शरिया अगर आ गई तो हमारे या तो हाथ कट जाएंगे या फिर हम जेल चले जाएंगे या फिर हमें सरे बाजार स्टोनिंग होगी, हमारे ऊपर पथराव होगा, ये सारी इस्लामिक जो पनिशमेंट्स हैं ये इसीलिए हैं ताकि गलत कामों को रोका जाए, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये अल्लाह ने हमें बनाया, अल्लाह को अपने बंदे का पता है कि इसको सीधा करने का क्या तरीका है। ये शरिया लॉ जो है ये मैंने नहीं लिखा, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं लिखा, ये अल्लाह ने लिखा है क्योंकि हमें बनाया किसने, अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह को ही पता है ना कि हमें सीधा कैसे करना। हम तो कोशिश कर रहे हैं इंसानियत ये हैवानियत को इंसानियत में तब्दील करने में, कभी हम ब्रिटिश लॉज ले आते हैं, कभी हम US लॉज ले आते हैं, कभी हम डेमोक्रेसी का नारा लगा देते हैं। मुझे बताओ ज़रा, हैवानियत सही हुई, इंसान बनी, हैवान इंसान बना, नहीं बना ना। अपने इर्द गिर्द देखो, जो मुल्क इस वक्त कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते हैं, वही मुल्क
एयर स्ट्राइक्स में सबसे ज़्यादा बेगुना लोगों का खून बहा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कौन कर रहा है इस वक्त? आप, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रही हूँ, इस वक्त आप पिछले साल 2016 की फिगर्स लगा लो, सबसे ज़्यादा किसने, किन लोगों ने, किन लोगों की फ़ौजों ने बेगुना लोगों को मारा, बेगुना लोगों का खून बहाया ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, इवन हॉस्पिटल्स को, इवन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसर्स को बॉम्ब से उड़ा दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, हैवान को इंसान बनाने का तरीका, इसका जो गुर है ना, वो ना आपके पास है, ना वो ओबामा के पास था, ना वो ट्रंप के पास है, ना वो क्वीन एलिजाबेथ के पास है, ना वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, ना इवन जस्टिन ट्रूडो के पास भी नहीं है। इसलिए इधर उधर देखना छोड़ दो। तुम लोगों को इंसान बनाया है अल्लाह ने, अल्लाह ने तुम लोगों को तख्लीक किया है, अल्लाह को पता है कि तुम लोगों को सीधा कैसे करना है। तुम लोग सब के सब बिगड़ चुके हो, पूरा का पूरा पाकिस्तान सब बिगड़ा हुआ है, और ये जो हमारी जो अपर क्लास है ना, ये तो सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है। इनको ना कोई डर है ना खौफ है, ये समझते हैं हमारी जेब में पैसा है तो हम सेफ हैं। ये नहीं एहसास करते कि ये पैसा कब्र में नहीं जाता, कब्र में सिर्फ आपकी आपका जिस्म जाता है। और अभी तक इतने साल हो गए हैं, इतने सालों से दुनिया आबाद है और ये सिलसिला चल रहा है, अभी तक बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास भी मौत का इलाज नहीं मिला। मौत का इलाज सिर्फ अल्लाह के पास है, और वो उसने अभी तक इंसान को नहीं दिया, ना वो मिलना है, मौत बरहक है। अब जितना भी पैसा जमा कर लो आप अपने बच्चों को, जितना भी आप ढील दे दो उनको, जितनी मर्जी आप डांस पार्टीज करा दो, मस्ती मौज पे लगा दो, ड्रग्स पे लगा दो, मेरी बात सुनो, ये पैसा जो है ये आपने लेके किधर जाना है? कल को यही बच्चे आपको धक्के मार मार के बुढ़ापे में आपको घर से निकालेंगे। और ये मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, आप अभी कराची पे चले जाओ रात के वक्त, होमलेस लोगों से जाके पूछो, बड़े बड़े घरानों से निकले हुए यही बच्चे बड़े होके आपको सबसे पहले किकआउट करेंगे, क्योंकि आपने खुद कोशिश की है कि इनका ईमान ख़त्म हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप सेक्युलर हो जाओ, आप चाहते हो कि आप अल्लाह से बगावत करो, और आप कर रहे हो, और आप ये अल्लाह से बगावत का सिलसिला बहुत अरसे से शुरू है। शैतान का काम ये है कि वो आपको अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत के लिए उकसाए, और आप जो है आप खामोशी से आँखें बंद करके आप उसकी बात सुने जा रहे हो, आपको कोई परवाही नहीं है। मैं यहाँ पे कोई रिलीजियस लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं एक सिंपल सा फिजियोलॉजिकल फैक्ट बता रही हूँ कि आपको इंसान अल्लाह ने बनाया, आप अल्लाह की तख्लीक हो, और अल्लाह को ही पता है कि आपको सीधा कैसे करना है। इसलिए खुदा के वास्ते सीधे हो जाओ, ताकि जब शरिया लॉज आए तो आपके ऊपर कोई भी शरिया की पनिशमेंट नाफिस ना हो, और शरिया को एक्सेप्ट करो, क्योंकि शरिया में सबसे ज़्यादा आपकी डिफेंस है, आपकी फ्यूचर जनरेशन की डिफेंस है। जिन बच्चों को आज आप ड्रग्स और पार्टिंग में मुलविस करके अपने से दूर कर रहे हो, वही बच्चे जब आपको कल को किक आउट करेंगे तो आपको कैसा फील होगा? अपने बच्चे से औलाद से ज़्यादा तो किसी को मोहब्बत नहीं ना होती, आपको भी अपनी औलाद से ज़्यादा तो किसी को मोहब्बत नहीं होगी। तो ये तो सोचो ना कि जिन बच्चों के लिए तुम लोग ये सारा झूठ बोल रहे हो और इधर उधर से मतलब रिश्वतें ले रहे हो, रिश्वतें दे रहे हो, आराम का माल खा रहे हो, इन्हीं बच्चों ने कल आपका नहीं होना, यही बच्चे आपको कल धक्का देंगे, अपने घर से निकालेंगे। तो क्यों ये हरकतें कर रहे हो, क्यों अपना ईमान ख़राब कर रहे हो? अपना अगर वही अगर आप अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, उनको टाइम दो अच्छी बातें सिखाओ, और इनको भी इंसान बनने की तलकीन करो, खुद भी इंसानियत पे फॉलो करो, और अल्लाह की शरिया को एक्सेप्ट करो, अल्लाह से बगावत करना छोड़ दो, तो यही बच्चे आपका बुढ़ापे में ख्याल रखेंगे, क्योंकि शरिया का हुक्म है कि हर बच्चे को अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, ये बहुत बड़ा हुक्म है। तो मैं अब सिंपल सी बात करूँगी कि ये बहुत गलत हो रहा है, पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान में बहुत गलत हुआ है कि डॉक्टर आसिम को उन्होंने रहा कर दिया, और जरदारी साहब जो हैं वो फिर अपना तख्त संभालने के लिए रेडी हो चुके हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनको और कोई फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ इस चीज़ की फिक्र है कि जनरल रागील शरीफ जो हैं वो IMAQ चलाने चले गए हैं। अब जनरल रागील शरीफ क्या करें, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, कुछ ना करें,
पूरे मुसलमानों के मुल्कों में आग लगी हुई है, टेररिज्म की आग लगी हुई है। मेरा पुराना लेक्चर से पहले वाला ज़रूर सुनिएगा, जिसमें मैंने यही बात की थी कि खुदा के वास्ते उनको बोलना बंद कर दो। उनमें इतनी समझ है, इतनी अकल है जनरल राहिल शरीफ में कि वो उम्मत को डिवाइड ना करें बल्कि यूनाइट करें। उनको भी पता है कि मैंने अब्यूज़ नहीं होना सऊदीज़ के हाथों, यमन में के खिलाफ, यमन की जंग में नहीं मुलव्वस होंगे। इसलिए आपको अगर फिक्र, मुझे भी यमन की फिक्र है। मैंने बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की है यमन के लिए, क्योंकि यमन में सब बहुत बुरा हाल है। इसको आप प्लीज़ एक पॉजिटिवली लो कि हमारा एक बहुत अच्छा, जो हमारा बेस्ट लीडर है वो उधर गया है, वो इंशाल्लाह इस मामले को अच्छे तरीके से सुलझा देगा, क्योंकि उसके अंदर माशाल्लाह से अल्लाह ने उसको इतनी अकल दी है कि ये कैसे करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यमन का भी मसला का हल निकाल देंगे। गिव हिम 6 मंथ्स, गिव हिम एटलीस्ट 6-7 मंथ्स। 6 मंथ्स 7 मंथ्स के बाद बात करेंगे जनरल वाहिद शरीफ के बारे में। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मुसलमान के बच्चे, क्योंकि टेररिज्म में और कोलैटरल डैमेज ऑफ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में मर रहा है, नाहक मर रहा है, इतना खून बह रहा है, वो बहना बंद हो जाए। तो अगेन प्लीज़, अगर आपके सामने गलत हो रहे हैं तो चुप करके उसको इग्नोर मत करो, शोर मचाओ, उठो, खड़े हो, नारे लगाने से हालात नहीं बदलेंगे। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको अल्लाह से बगावत करना छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह पे यकीन करना पड़ेगा। अगर अल्लाह आपके साथ है तो अगर कोई भी आपके साथ नहीं है तो आप जीतोगे, क्योंकि ये आपका अल्लाह से वादा है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।